सो दैट मीन जीशान जिन्होंने टॉस जीता है ऑल इम्पोर्टेंट टॉस जीशान क्या करेंगे पहले हम बैटिंग करेंगे पहले आप पहले बैटिंग करेंगे uh, कल बड़ा आसान मैच लो स्कोरिंग गेम था लेकिन टारगेट अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग के बावजूद आप टारगेट चेंज नहीं कर सके कोई चेंजेस आज की टीम में ये तो लग रहा है कि कैप्टन आज नहीं है आ, कैप्टन की बेसिकली साल बाद उन्होंने इंजरी से रिकवर किया था अटैक चल रहा लेकिन ये था कि हमें आइडिया नहीं था विकेट काफ़ी टूट चुका था स्पाइक्स की वजह से उसका भी बड़ा हुआ लॉस लो, लो रहने लग गया गेम स्पिन होने लग गया उसकी वजह से ज़रा हमने विकेट्स वगैरह छू गए कितना टारगेट समझते हैं सेफ होगा इन शाला थैंक यू एंड गुड लक मोहम्मद खलील

हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वाले देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं जहूर इलाही क्रिकेट स्टेडियम गुजरात से जहां पर आज जेड ई एस एल के सिलसिले में दो मैचेस खेले जाएंगे पहले मैच का आगाज होने जा रहा है जिसमें ज़ीशान खान जो कि आज कप्तानी कर रहे हैं मुगर की जगह पर विजन सरामिक्स के लिए टॉस जीत कर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है एस बी एफ के ख़िलाफ़ कल की तरह आज भी मौसम काफ़ी अच्छा धूप निकली हुई है सुबह से जिसकी वजह से आउटफील्ड आज ड्राई हो चुकी थी थोड़ी सी तगोदो के बाद और कंडीशंस बड़ी अच्छी कल के मैच से अब तक का जो सफ़र रहा है विजडम सिरामिक्स का वो यकीनन सोचो विचार में होंगे कि किस तरह से आज इस अहम मैच में कामयाबी हासिल की जाए कल एक जीता हुआ मैच वो हार गए थे लो स्कोरिंग गेम में अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग करने के बावजूद बैट्समैनों ने परफॉर्म नहीं कर नहीं कर पाए और 142 सौ 143 रन का टारगेट चेस ना कर सके और छप्पन रन के बड़े मार्जिन से मैच हार गए आज अटैकिंग क्रिकेट पे जाएंगे इसलिए उन्होंने फैसला किया कि आज पहले बैटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टोटल स्कोर बोर्ड से सजा सकें मोहम्मद खलील बॉलिंग का आगाज करेंगे जबकि उनके सामने बैट्समैन हैं फहद उस्मान ओपन करने के लिए आए हैं उनके साथ दूसरे एंड पे राव खयाम खलील आई गेंद की आश्रम से बाहर ही गेंद थी और बड़े मुहतात अंदाज़ में गेंद को देखा और जाने दिया विकेट कीपर के पास विकेट कीपर सही तरह से क्लेक्ट बॉल को नहीं कर सके मोहम्मद खलील टीम के कप्तान हैं और बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट का ड्राइव किया बैक टू द बॉलर और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने में कामयाब हुए खलील आज टीम में तब्दीलियां की गई हैं विजडम सिरामिक्स के लिए कप्तान फिट नहीं थे उनकी जगह पे जीशान खान कप्तानी कर रहे हैं एक नए जज्बे के साथ एक नई सुबह और एक नए मैच में आज विजडम सिरामिक्स ग्राउंड में उतरी है आप स्टम से काफी बाहर गेंद यकीन वाइट बॉल होगी इस तरह से एक्स्ट्रा से स्कोर का आगाज हुआ इस इनिंग का इस मैच का पहला रन बड़ी अच्छी गेंद आश्रम से बाहर अच्छी मूवमेंट सुबह सुबह बॉलर्स को मिलती है मॉइस्चर होने की वजह से इस मरतबा स्टेर किया थर्ड मैन की जाने और एक रन बल्ले से पहला रन इस इनिंग में हासिल किया बैट्समैन ने कल टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की थी अच्छा फैसला था सत्तर के राउंड अबाउट छः खिलाड़ी आउट कर दिए थे अलफेसल के लेकिन उसके बाद इंजमाम की शानदार बैटिंग एक पे स्कोर पहुँचाया लेकिन उसके बाद बैट्समैन बिल्कुल भी सही नहीं खेल पाए और एक ऐसा मैच जिसमें उन्हें का कामयाबी हासिल करनी चाहिए थी हार गए आज एक मरतबा फिर टॉस जीता और आज उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया इस गेंद को खेले ऑन की जानेब और बड़ी तेज़ी से भागते हुए एक रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने ग्लव्स चेंज किए बैट्समैन ने और अब दोबारा से तैयार होंगे खेलने के लिए ऑन साइड पे डीप स्क्वायर लेग पे एक फील्डर लिया हुआ है जबकि फाइन लेग के फील्डर को सर्कल के अंदर रखा गया है क्रीज से बाहर निकलकर खेलने गए थे गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद आई विकेट कीपर के पास बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं खलील पहला ओवर मुकम्मल हुआ एक ओवर के बाद स्कोर है तीन रन बगैर किसी नुकसान के थ्री नन आफ्टर वन दूसरे ओवर का आगाज करेंगे राना नईम लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उनके सामने हैं चार फील्डर्स सर्कल के अंदर ऑफ साइड पर मौजूद तीन फील्डर्स ऑन साइड पे रखे गए हैं सर्कल में बैकफुट पे इस गेंद को से पुश किया अपने सामने फील्डर मौजूद हैं उन्होंने गेंद को फील्ड किया राना नईम और मोहम्मद खलील दोनों बड़े अच्छे तजुर्बाकार बॉलर हैं और कोशिश करेंगे कि पावर प्ले में विकेट ना भी मिले तो इकोनॉमिकली बॉल करें अच्छी गेंद एक मरताब फिर बैकफुट पे गए क्रीज के अंदर रहते हुए इस बॉल को रोक कर संभाल कर खेले दो फील्डर्स जो कि रिस्ट्रिक्शंस हैं फील्ड रिस्ट्रिक्शंस उसके मुताबिक सर्कल से बाहर हैं डीप थर्ड मैन और डीप फाइन लेग लेक्सम से बाहरी गेंद थी अंपायर का इशारा वाइट बॉल राना नईम जिन्होंने कतर टी टेन लीग में भी हिस्सा लिया हुआ है तो इंटरनेशनल क्रिकेट का भी तजर्बा रखते हैं दोनों बड़े तजर्बाकार सीनियर बॉलर्स शॉट, ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं कर पाए लेकिन सर्कल को बूर कर लिया था और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली जाएगी चार रन के लिए क्लियरली ज्यादा अच्छा मेडल नहीं कर पाए थे लेकिन चूंकि सर्कल मौजूद है इसलिए बॉल चन टपे खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर इस इनिंग का पहला चौका लगाने में कामयाब हुए हैं राहु खयाम थोड़ी सी आश्रम से बाहर और ओवर पिश बॉल थी और इसे मदगी से खेले सर्कल के ऊपर से चार रन के लिए डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री की जाने और इस मरतबा कैश था ये स्क्वायर लेग के फील्डर बॉल तक पहुंच गए थे उनके फिंगर टिप्स पे बॉल लगी दूसरे रन के लिए वापस आएंगे दोनों बैट्समैन और राना नईम बिल्कुल भी खुश नहीं है फील्डर की अटैम्प है लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल था जंप किया था इस तरह के कैचेस होने चाहिए इस लेवल पे लेकिन फिंगर टिप्स पे लगती हुई बॉल आई मिड विकेट की जानब दो रन जसना में मुकम्मल कर लिए दोनों बैट्समैनों ने कहा जा सकता है कि राव खयाम को एक चांस मिला दूसरे ही ओवर में अब फील्डर को बाउंड्री लाइन पर भेजा जा रहा है डीप स्क्वेयर लेग बाउंड्री पे और डीप फाइन लेग के फील्डर सर्कल के अंदर आ गए हैं से बाहर ये गेंद थी इसे कवर्स की जानब खेले मिस फील्ड हुई एक रन मुकम्मल किया तेज शॉट था और फील्डर के पास बॉल आई थी लेकिन बॉल को वो फील्ड नहीं कर सके और मिसफील्ड हुई एक रन मुकम्मल किया मरतबाज गेंद को स्टेयर किया थर्ड मैन की जानब और एक रन हासिल किया ये आपके सामने एसबीएफ की टीम मोहम्मद खलील जो कि कप्तान है राना नईम वकार अजीम तोसीफ अहमद सलमान उस्मान मोहम्मद वसीम मोहम्मद जुनैद, तैयब, सैंडी नोमान साजिद सदाकत अवान और मोहम्मद अवैस ये एस का स्क्वाड है आज के मैच के लिए खलील अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे फार एंड से से बाहर इस गेंद को बड़ी खूबसूरत अंदाज में खेले हैं डीप मिड विकेट की जाने से फील्डर बॉल तक पहुंचे अच्छी फील्डिंग लेकिन दूसरा रन बनाने का मौका मिल गया दोनों बैट्समैनों को बड़ा अच्छा शॉट था यह बड़ा कॉन्फिडेंस शॉट फाहद उस्मान का और उमदा फील्डिंग बाउंड्री लाइन पे दो रन मुकम्मल किए फील्ड

ग्लव्स उन्होंने पहने में पैड्स पहने में इस तरह की बॉल रोकनी चाहिए कीपर को चार रन्स कीमती चार रन्स मिले तीसरे ओवर में 18 है स्कोर बगैर किसी नुकसान के अब तक तीसरा ओवर जारी है लेग स्टंप से बाहर ये गेंद एक चौका ऑफ साइड पे डीप थर्ड मैन और उसके बाद अगली बॉल पे डीप फाइन लेग पे चार रन्स के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर तो फहद उस्मान ने आजसा आजसा अपने अजायम दिखाना शुरू कर दिए हैं कल की शिकस्त के बाद यकीन एक नई टीम बन के सामने आई है ये टीम इस मरतबा स्ट्रेट शॉट लेकिन लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद है सिर्फ एक रन बन पाएगा सीधी बॉल थी और इसे स्ट्रेट खेलना चाहते थे लेकिन लॉन्ग ऑफ की जाने बॉल आई दो चौके इस ओवर में लगाने में कामयाब हुए हैं फहद उस्मान अच्छा आज ये कहा जा सकता है तीसरे ओवर का खेल जारी है और 24 स्कोर कल के मुकाबले में बेहतर ओपनिंग पार्टनरशिप दोनों के दरमियान इस मरतबा बल्ला घुमाया लेकिन ये एक अच्छा स्ट्रोक नहीं कहा जा सकता स्टंप से बाहर गेंद थी लेग साइड पे खेलना चाहते थे गेंद की लाइन को मिस किया यही वजह है कि फाद उस्मान चलते हुए आए राव ख़याम के पास उनको समझाया स्कोर ठीक है रन रेट करेंट रन रेट बड़ा अच्छा जा रहा है विकेट थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है आज का मैच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विजडम सरामिक्स के लिए मोहम्मद खलील एक और अच्छी गेंद बोल्ड कर दिया सीधी बॉल थी अपनी पिछली गलती से बिल्कुल भी उन्होंने सबक नहीं सीखा था और क्लीन बोल्ड कर दिया है इस मरतबा बड़ी अच्छी सीधी गेंद इसे क्रॉस बल्ले के साथ खेलने गए थे गेंद की लाइन को मिस किया और बोल्ड हो गए इस तरह से खलील ने अहम कामयाबी दिलाई कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट टेकन द फर्स्ट विकेट शेजादा खान नए बैट्समैन आए हैं खेलने के लिए वन डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए और खलील ने विकेट हासिल किया अपने दूसरे ओवर में अच्छी गेंद थी बैकफुट पे आकर इस गेंद को दफाई अंदाज से खेले पॉइंट्स पे फील्डर मौजूद है उन्होंने गेंद को फील्ड किया इसके साथ ही ओवर मुकम्मल हुआ तीन ओवर्स के बाद चौबीस रन एक विकेट के नुकसान पर ट्वेंटी फोर वन आफ्टर थ्री इस आखिरी ओवर में विकेट हासिल की खलील ने और ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को ये विजडम का स्क्वाड आपके सामने फाहद उस्मान राव खयाम शहजादा खान वकास अली ज़िशान खान आज कैप्टन हैं टीम के असफन मेरान अहमद बिलाल अलमास खोकर मोहम्मद सलीम अब्दुल्ला एजाज और अली रज़ा राना अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे चौथे ओवर का खेल शुरू होगा डीप थर्ड मैन और लॉन्ग ऑन पर थोड़ा सा वाइडर मिड विकेट की जाने फील्डर मौजूद हैं बाउंड्री लाइन पे आप स्टम्प से बाहर इस गेंद को कट करने गए थे लेकिन बॉल पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई थ्रो किया था स्टम्प पे ओवर थ्रो की सूरत में रन मिल सकता है बैकअप पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था लॉन्ग ऑन के फील्डर बॉल तक पहुंचेंगे और इस में का एक मजीद रन हासिल किया दो रन इस बॉल पे बने कल के मुकाबले में आज बेहतर टीम नजर आ रही है सिरामिक्स। कल की से यकीन उन्होंने टीम मीटिंग जो हुई होगी उसमें होमवर्क किया होगा अच्छी गेंद थी कट किया और अच्छा कट किया डीप थर्डमैन के फील्डर बॉल तक पहुंचेंगे लेकिन उससे पहले मौका मिल गया और दो रन मुकम्मल कर लिए विकेट कीपर को बेहतर परफॉर्म करना होगा ये बॉल भी विकेट कीपर अच्छी अटेम्प्ट करके रोक सकते थे एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील प्लम्ब आउट है ये बिल्कुल स्टंप्स के सामने कोई शक नहीं होना चाहिए बॉल अंदर आई और स्टंप्स के सामने जाके उनके पेड़ से टकराई अंपायर ने अपनी उंगली फजा में बुलंद की इस तरह से इस तरह से ये दूसरी कामयाबी हासिल की है ये आपके सामने देख सकते हैं बॉल अंदर आई है क्लियरली इन स्विंग बड़ा खूबसूरत इन स्विंग और बिल्कुल स्टंप्स के सामने कोई कोई इसमें शक नहीं था और अंपायर ने फौरन ही अपनी उंगली फिजा में बुलंद कर दी इस तरह से तेरह रन बनाकर आउट हुए फाहद उस्मान बारह गेंदों को उन्होंने सामना किया और एक चौका लगाया राना नईम ने उनकी विकेट हासिल की अहमद बिलाल नए बैट्समैन आए हैं खेलने के लिए टू डाउन पोजीशन पर बड़ी ज़बरदस्त इन स्विंग बॉल थी और बैट्समैन को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला बल्ला सामने लाने के लिए और प्लम्ब एल डब्ल्यू गार्ड लेते हुए अम्पायर से अहमद बिलाल फील्ड सेट करने में मसरूफ राणा नहीं नए बैट्समैन के लिए दो फील्डर्स को सर्कल के अंदर करीब बुला लिया है एक शॉर्ट मिड विकेट पे भी फील्डर मौजूद है बैक फुट पे गए इस गेंद को आज से स्टेयर किया पॉइंट की जाने फील्डर वहां पर मौजूद हैं और ये डॉट बॉल ऊपर नीचे दो विकेटें गिरी हैं और एक अच्छा आगाज फ्राहम किया था लेकिन बड़ा अच्छा कम बैक किया पहले खलील ने अब विकेट हासिल की और फिर राना नीम ने विकेट हासिल की अपेश खेले आउट होने का खतरा खूबसूरत कैच लिया है मिडॉन के फील्डर ने फैंटास्टिक कैच मिडॉन के ऊपर से खेलने गए थे बैट्समैन दोनों बैट्समैन अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए थे और एक बैट्समैन आउट होकर पवेलियन में वापस जाते हुए बड़ा अच्छा कैच आगे आकर थोड़ा सा दो चार कदम आगे भागे हैं एडजस्ट किया खुद को और जुनेद आउट होने वाले बैट्समैन जुनेद जिन्होंने कैच लिया है बेके बड़ी अच्छी फील्डिंग और शानदार कैच इस तरह से तीसरी विकेट गिर चुकी है अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद ही आपके सामने बगैर कोई रन बनाए दो गेंदों के सामने उन्होंने सामना उन, सामना किया जुनेद ने उनका कैच लिया राना नईम की बॉल पे एक ओवर में दो विकटें हासिल कर ली हैं राना नईम ने तीन विकटें ऊपर नीचे गिर चुकी हैं और वकास अली नए बैट्समैन आए हैं खेलने के लिए शहजादा खान का साथ देने के लिए दोनों बैट्समैनों ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला दो विकटें इस ओवर में राना नहीम ने हासिल कर ली हैं आज से इस गेंद को बैकफुट पर जाकर खेले कवर्स में फील्डर वहां पर मौजूद हैं और इसके साथ ही बड़ा कामयाब ओवर मुकम्मल हुआ राना नीम का जिसमें उन्होंने दो विकेटें हासिल की चार ओवर के बाद अट्ठाईस पे तीन खलील अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे आफ्टम से काफी बाहर ये गेंद और कट करने गए थे लेकिन काफी बाहर थी बॉल और अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल रनआउट का चांस लेकिन बॉल स्टंप्स में नहीं लगी थ्रो किया था फील्डर ने और ओवर थ्रो की सूरत में दूसरे रन भी मुकम्मल करेंगे यहाँ पर मौका था लेकिन बॉल स्टंप्स में लगती तो यकीन अंपायर यहाँ पर थर्ड अंपायर की जानब जाते या क्विक फैसला देते दो रन मुकम्मल कर लिए दोनों बैट्समैनों ने और बड़ा खूबसूरत शॉट इस मरतबा सर्कल का भरपूर इस्तेमाल किया जो तीन विकटें ऊपर नीचे गिरी हैं उस प्रेशर को कम करने में थोड़ा सा कामयाब हुए हैं बैट्समैन और इस तरह की बैटिंग के लिए मशहूर हैं शहजादा खान खूबसूरत शॉट खेला चार रन के लिए और बोल कर दिया इसी चीज का डर था क्योंकि खलील जो कि तजर्बाकार बॉलर हैं बाउंड्री लगने के बाद यकीनन अपनी लाइन और लेंथ उन्होंने चेंज की बैट्समैन ने गलती की और गलती पर मजबूर किया बॉलर ने क्लीन बोल्ड कर दिया इस तरह से विकटें ऊपर नीचे गिरती हुई चार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं छे रन बनाकर चार बालों पर शहजादा खान आउट हुए बोल्ड बाय मोहम्मद खलील विकेट पे स्टे करना बैट्समैनों को सीखना होगा जितने भी बैट्समैन खेल रहे हैं या उन्होंने आइंदा खेलना है कल दोनों टीमें सत्तर रन्स के करीब छः विकेटें गंवा चुकी थी आधी से ज़्यादा टीम आउट हो चुकी थी और क्रंच गेम में अनप्रिडिक्टेबल गेम थी टोटली आज वही गलतियां दोबारा से दोहराती हुई विजडम सेरामिक्स पैंतीस पे चार पांचवें ओवर में जीशान खान टीम कैप्टन खेलने के लिए आए हैं कैप्टन टू कैप्टन इस मरतबा इस गेंद को खेले पॉइंट की जाने अच्छा शॉट था लेकिन सीधा फील्डर की जाने गैप तलाश नहीं कर सके तीसरा ओवर है मोहम्मद खलील का बाईस रन देकर दो विकटें हासिल की हैं दो ही विकटें हासिल की हैं राना नईम ने नाराना अब भूल गए थे वापस अपने बॉलिंग मार्क पे जाएंगे मोहम्मद खलील इस गेंद को खेले पॉइंट की जानी फील्डर वहां पर मौजूद हैं अच्छी फील्डिंग पूरी तरह से पंप टम्प नजर आ रही है इस वक्त एस पी एफ की टीम और एक अच्छा आगाज मिलने के बावजूद चार विकेटें ऊपर नीचे गिर गई हैं और अब अंडर प्रेशर है विजडम सिरामिक्स रामिक्स लेक्स्टम से बाहर ये गेंद थी और यकीन वाइट बॉल होगी इस मरतबा अच्छा कलेक्ट किया विकेट कीपर ने डाइव लगाकर कर राना चलते हुए आए अपने कीपर के पास उनको शाबाश दी गेंद थी दफाई अंदाज से खेले और इसके साथ ही ओवर अपने अख्तितम को पहुंचा पांच ओवर्स के बाद छत्तीस रन चार विकेटों के नुकसान पर थर्टी सिक्स फोर आफ्टर फाइव विस्डम सरामस का बैटिंग कार्ड आपके सामने बड़ा डिसअपॉइंटिंग फाद उस्मान तेरह रन बनाकर आउट हुए राना नहीम की बॉल पे राव ख़याम को बोल्ड किया मोहम्मद खलील ने आठ रन बनाए शहजाद खान को बोल्ड किया मोहम्मद खलील ने छः बना रन बनाए अहमद बिलाल बगैर कोई रन बनाए राना नहीम की बॉल पर आउट हुए वकास अली नाट आउट हैं जीरो पे जीशान नाट आउट हैं जीरो पे बैटिंग कार्ड काफ़ी डिसअपॉइंटिंग अब तक और देखना होगा कोई एक बैट्समैन कल जिस तरह से अलफैसल के लिए शानदार इनिंग खेली थी सातवीं विकेट के लिए हमजा ने इसी टीम के खिलाफ बैक फुट पर गए राना नीम की इस बॉल को खेले खलील की आज स्ट्रेटी के बड़ा तजर्बा रखते हैं उन्होंने खुद भी तीन ओवर किए हैं राना नीम से भी तीसरा ओवर करवा रहे हैं और जो प्रेशर है उसको कम नहीं होने दे रहे अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं शुरू से ही खलील एक अच्छी चीज़ है लेकिन इसके बाद यकीन बॉलिंग में तब्दीली करेंगे इस दौरान फ़ील्ड में तब्दीली की गई है और डीप फाइन लेग के फील्डर को अंदर लाया गया है फोटी फाइव पर जबकि डीप स्क्टर लेग पे फील्डर जाते हुए क्स्टम से बाहरी गेंद थी अंपायर का इशारा वाइट बॉल दोनों बैट्समैन अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए तीसरा ओवर है ये चौदह रन दिए हैं दो विकेटें हासिल किए हैं शानदार बॉलिंग राना नेम की इनसाइड एज खुशकिस्मत रहे बॉल स्टम्प्स के करीब से होके आई शॉर्ट फाइन लेग पे और इस बॉल पे आउट हो सकते थे बड़ा अच्छा इन स्विंग कर रहे हैं राना नईम स्टेयर करना चाहते थे थर्ड मैन की जाने लेकिन बॉल काफ़ी तेज़ी से अंदर आई थी और इनसाइड एज होती हुई स्टम्प्स के करीब से बिल्कुल होती हुई आई है और मुहतात रहना होगा बैट्समैनों को इंतजार करना होगा कि इन दोनों के ओवर्स अपने अपने तीन ओवर मुकम्मल करें बॉलिंग चेंज हो बॉलर का इंतज़ार करें ये स्ट्रेटजी मैच से पहले बनाई जाती है नेक्स्ट हमसे बायरिस गेंद को फ्लिक किया और हल्का सा हाथ आगे जरूर बढ़ाया था मिड विकेट के फील्डर ने डीप लेग से फील्डर बॉल तक पहुंचे बड़ी अच्छी थ्रो लेकिन उससे पहले बैट्समैन क्रीज में पहुंच के दो रन मुकम्मल किए पुश किया इस गेंद को कवर्स में और मिस फील्ड हुई यहाँ पर इस बॉल को रोकना चाहिए था आसान बॉल बॉल से नजरें हटा दी और दूसरे रन के लिए वापस आएंगे आसानी से दोनों बैट्समैन दो रन मुकम्मल किए बॉलिंग बड़ी अच्छी है बड़ी अग्रेसिव और अटैकिंग बॉलिंग लेकिन फील्डर्स थोड़ा सा फ्लॉपी और दो तीन मिस हुई हैं एक कैच भी ड्रॉप हुआ है पावर प्ले का ये आखिरी ओवर छठे ओवर का खेल जारी ड्राइव किया चार ड्राइव किया और चार रन होंगे इस मरतबा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर थोड़ी सी ओवर पिच बॉल थी और जगह बनाई बड़े स्टाइलिश अंदाज में खेले डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की जानेब चार रन के लिए में बैट्समैनों के लिए रन मौजूद हैं लेकिन आपको इंतजार करना होगा बैट बॉल का अच्छी गेंद है इस महतो अच्छा कम रन रनआउट का चांस हो सकता है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थ्रो लेकिन स्टंप्स में नहीं लगी बैट्समैन काफी दूर थे और बॉल स्टंप्स में लगती तो यकीनन आउट हो जाते और इसके साथ ही ओवर अपने अख्ताम को पहुंचा छह ओवर के बाद पैंतालीस रन चार विकेटों के नुकसान पर आठ रन पे नाटो उठे वकास जीशान खान ने अभी तक कोई रन नहीं बनाया बॉलिंग कार्ड आपके सामने मोहम्मद खलील ने तीन ओवर किए हैं तेईस रन दिए हैं दो विकेटें हासिल की हैं राना नहीम ने तीन ओवर में बाईस दो हासिल की हैं चौबीस रन तक कोई विकेट नहीं गिरी थी चौबीस रन के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चार विकेटें ऊपर नीचे गिरी एक ओवर में दो विकेटें हासिल की राना नहीम ने और पूरी तरह से मैच में अभावी नजर आ रही है एस बी एफ स्पिनर को लाया गया है बॉलिंग के लिए नोमान साजिद बॉलिंग के लिए आए हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर फकास अली और जीशान खान शॉर्ट पिच गेंद थी और इस गेंद को खेले कवर्स में फील्डर वहां पर मौजूद हैं शॉर्ट पिच गेंद इस गेंद को खेले उमदगी के साथ और फील्डर मौजूद हैं स्वीपर कार पोजीशन पर एक रन मुकम्मल किया जेडी एस एल टी ट्वेंटी जिसका आज दूसरा दिन है दूसरे दिन का पहला मैच मुसलसल दूसरा मैच खेल रही है विजडम सिरामिक्स कल अलफेसल क्रिकेट क्लब ने छप्पन रन से शिकस्त दी पहले मैच में और इस गेंद को स्टेयर करना चाहते थे पॉइंट की जाने भी। लेकिन बॉल पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई डॉट बॉल आहिस्त से खेले आउट होने का खतरा रन आउट हो सकते हैं थ्रो लेकिन उससे पहले बड़ी अच्छी रनिंग और बैट्समैन क्रीज में पहुंच के कट किया इस गेंद को अच्छा कट किया लेकिन फील्डर बाउंड्री लाइन पे मौजूद हैं ऑफ साइड पे और एक रन हासिल किया दोनों बैट्समैनों ने इसके साथ ही सात ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ आफ्टर सेवन द स्कोर इज 48 फॉर द लॉस ऑफ फोर विकेट्स तो सीख आए हैं बॉलिंग के लिए पवेलियन से पहली बॉल पे बड़ा खूबसूरत शॉट खेला मिड विकेट बाउंड्री से बाहर और ये इस इनिंग का पहला छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं बैट्समैन शॉर्ट पिच गेंद थी और पहली ही बॉल पे खूबसूरत टाइम किया डीप मिड विकेट बाउंड्री पे छह रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर बड़ा अमेजिंग एक्शन है बॉलर का राइट आर्म बॉलर फास्ट बॉलिंग में अगर देखा जाए तो सुहेल तनवीर लेकिन पॉल एडम्स साउथ अफ्रीका के लेफ्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर थे वो इस तरह से बॉल करते थे एक और शॉर्ट पिच गेंद से बाहर अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल एक और स्ट्रेट शॉट खूबसूरत शॉट फील्डर्स के लिए कोई मौका नहीं और स्ट्रेट बाउंड्री से बाहर साइड स्क्रीन पे जाके बॉल टकराई चार रन के लिए ग्यारह रन पहली दो बॉलों पे बन चुके हैं लेग ब्रेक बॉलर इंटरनेशनल स्टार राशिद खान की तरह भी काफी हद तक इनका बॉलिंग एक्शन लेग ब्रेक बॉलर है दस नंबर की शर्ट पहनी हुई है अच्छी गेंद थी इस मत बॉल अंदर आई गुगली और रोक के खेले बैट्समैन बेहतर ओवर है ये इस ओवर से प्रेशर कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी ग्यारह रन्स बन चुके हैं अब तक एक और अच्छी गेंद बॉल अंदर आई और अपनी गलतियों से सीखना ज़रूरी होता है बॉलर्स को जब बैट्समैन हावी हो जाते हैं स्वीप करने गए थे हल्की सी अपील लेकिन लेक्सम से बाहर पिछ हुई बॉल पे एलबीडब्ल्यू का कोई चांस नहीं तो सीख अहमद एक और शॉर्ट पेज गेंद इस गेंद को खेले डीप डीप फाइन ले की जाने और एक टपा खाने के बाद चार रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर इस तरह पंद्रह रन बने इस ओवर में और आठ ओवर के बाद तिरसठ पे चार सिक्सटी थ्री फो फोर आफ्टर एट

अच्छी गेंद थी आज तक इस गेंद को खेले ऑफ साइड पे सिंगल हासिल किया सेंसेबल बैटिंग अच्छी पार्टनरशिप दोनों के दरमियान जारी है प्रोजेक्टेड स्कोर अगर इस रन रेट से खेलते हैं 8.2 पॉइंट टू करेंट रन रेट है तो 164 160 प्लस हो सकता है जो कि एक बड़ा अच्छा टोटल होगा डिफेंड करने के लिए थोड़ा सा आपिश खेले लेकिन लॉन्ग ऑफ की जानब फील्डर वहां पर मौजूद हैं एक रन हासिल किया दोनों बैट्समैनों को इस चीज़ का एहसास है कि चार विकटें गिर चुकी हैं एक मैच हारे हुए हैं ये मैच जीतना है अच्छी पार्टनरशिप दरकार है अच्छी गेंद थी बैकफुट पे आके से खेले मिड विकेट से फील्डर पहुंचे, स्क्वेयर लेग पे बॉल को उन्होंने फील्ड किया सत्रह रन पे नॉट आउट हैं जीशान खान पंद्रह रन पे नॉट आउट हैं वकास अली सात रन इस ओवर में बन चुके हैं पहली बॉल पे चौका उसके बाद तीन सिंगल्स दूसरा ओवर है नोमान साजिद का फुल टॉस और ज्यादा बेहतर स्ट्रोक खेल सकते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन बॉल आई लॉन्ग ऑन की जानव एक रन बैकफुट पे गए गे, इस गेंद को ऑन की जाने फील्डर वहां पर मौजूद है इसके साथ ही ओवर अपने अख्ताम को पहुंचा नौ ओवर के बाद इकहत्तर पे चार और आश्रम से बाहर ही गेंद थी गेंद को जाने दिया सलमान उस्मान बॉलिंग के लिए आए हैं शॉर्ट पिच गेंद थी और बड़ा खूबसूरत शॉट। लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर हवा से बातें करती हुई बॉल छक्के के लिए बाहर जाकर गिरी है बॉलर को चेंज किया गया था पिछले ओवर में पंद्रह रन दिए थे लेग ब्रेक बॉलर ने लेकिन इस बॉलर ने भी एक शॉर्ट पिच बॉल करवाई और खूबसूरत छक्का जीशान खान का टीम कैप्टन आज बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस मरतबा नस्बता तेज गेंद थी और इसे आस्ते से खेले कवर्स में एक रन हासिल किया ये सेवेंटी अच्छा। एट आस्ते से पुश किया ऑन साइड पे बड़ी उम्दा बैटिंग दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते हैं फील्डर काफी दूर से पहुंचे बॉल तक थ्रो ज्यादा अच्छी नहीं थी और दो रन आसानी से मुकम्मल कर लिए डग आउट जाग उठा है विजडम सिरामिक्स का थोड़ी देर पहले तक मायूसी के बादल छाए हुए थे लेकिन अब उनको उम्मीद हो चली है कि एक अच्छा टारगेट सेट करने की पोजिशन में है ये दो बैट्समैन अगले चार पाँच ओवर इनको मेक श्योर करना होगा कि विकेट लूज ना करें ओवर पिच गेंद थी इसे वापस बॉलर की जानव खेले डॉट बॉल अच्छी गेंद थी आज को खेले फील्डर काफी दूर खड़े थे पॉइंट पोजीशन पर आसानी से एक रन मुकम्मल किया दस ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है दस ओवर्स के बाद इक्यासी चार विकेटों के नुकसान पर पच्चीस पे नॉट आउट जीशान जबकि अट्ठारह रन बना रखे हैं वकास अली ने मरतबाज गेंद को खेले स्क्वेयर की जाने फील्डर वहां पर मौजूद हैं एक रन हासिल किया दफाही से इस गेंद को खेले फील्डर मौजूद हैं स्क्वायर लेक पे स्केंद को मिड विकेट की जानेब खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन से फील्डर बॉल तक पहुँचे एक रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने ग्यारहवें ओवर का खेल जारी है अच्छी पार्टनरशिप दोनों के दरमियान जारी है अपेश खेले थोड़ा सा लेकिन फील्डर से काफ़ी दूर पॉइंट के फील्डर काफ़ी पीछे खड़े थे डॉट बॉल तीसरा ओवर है नोमान साजिद का अच्छी गेंद थी दफाही अंदाज से खेले और आसानी से एक रन मुकम्मल किया करीब में खेल के जहाँ पे बाउंड्रीज़ नहीं मिलती वहाँ पे ज़रूरी होता है कि आप स्ट्राइक रोटेट करें सिंगल डम्बल हासिल करें अच्छी गेंद थी वापस बॉलर की जानब खेले अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और इसके साथ ही ग्यारह ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है आफ्टर एलेवन द स्कोर इज फॉर द लॉस ऑफ विकेट्स ए एस बी एफ की बॉलिंग बॉलिंग कार्ड आपके सामने खलील ने तीन ओवर किए तेईस रन दिए दो विकटें हासिल की राना नईम दो विकटें हासिल की बाईस रन देकर तीन ओवर्स में नोमान साजिद ने तीन ओवर किए चौदह रन दिए तो अहमद ने एक ओवर काफी महंगा पंद्रह रन दिए सलमान उस्मान ने एक ओवर किया और दस रन उन्होंने दिए हैं चार विकटें गिर चुकी थी पैंतीस रन पे उसके बाद दोनों बैट्समैनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है ग्यारह रन एक्स्ट्रास के शामिल हैं मजबूत स्कोर में चौबीस पे पहली विकेट गिरी थी और फिर पैंतीस पे चार खिलाड़ी आउट हो चुके थे उसके बाद इन दोनों बैट्समैनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है ना सिर्फ विकेट रोके रखी बल्कि साथ साथ स्कोर में भी तेजी से इजाफा किया शॉर्ट पिच गेंद ऑफ से काफी बाहर अपने शॉट से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे बहुत बेहतर स्ट्रोक खेल सकते थे ये छक्के नहीं तो चौके की बॉल थी लेकिन आ, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे और कोई गलती नहीं की फील्डर ने आसान कैच बहुत ही मायूसी के आलम में सर झुकाए वापस जा रहे हैं सेलिब्रेशन फील्डर्स की इस विकेट की तलाश सी। एस की टीम को पांचवी विकेट अब गिर चुकी है एक पार्टनरशिप जो कि खतरनाक साबित हो रही थी फील्डिंग साइड के लिए लेकिन अहम मौके पे विकेट हासिल की बीस रन बनाकर आउट हुए बीस बॉलों पर वकास अली राना नईम ने उनका कैच लिया सलमान की बॉल पे मोहम्मद सलीम नए बैट्समैन आए हैं अपने कप्तान का साथ देने के लिए जीशान खान नॉट आउट है बैट्समैन को साथ देना होगा अपने कप्तान का किसी एक बैट्समैन को आखिर तक खेलना होगा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सलीम आप सामना करेंगे अच्छी गेंद थी फॉरवर्ड आकर बेड और पेट साथ मिलाते हुए दफाई अंदाज से खेले बैट्समैन नए आने वाले बैट्समैन कट किया इस गेंद को लेकिन डीप कवर पोजीशन पर फील्डर मौजूद हैं एक रन हासिल किया अपना अकाउंट खोला सलीम ने पर ही गेंद थी आईसीसी गेंद को खेले दूसरे रन के लिए वापस आएंगे एक रन मुकम्मल किया दूसरे रन के लिए वापस आए फील्डर काफी दूर खड़े थे और कोई मुश्किल पेश नहीं आई बैट्समैनों को आसानी से दो रन मुकम्मल कर लिए ओवर पिच गेंद थी इसे बड़ाओफ़ की जानब खेले फील्ड वहाँ पर मौजूद हैं बड़ी अच्छी थ्रो लेकिन उससे पहले मोहम्मद सलीम अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे बड़ा खूबसूरत हुआ शॉट आउट होने का खतरा और ये ड्रॉप हो गया मोहम्मद खलील बॉल के नीचे आए थे और बॉल उनके हाथ में आके निकल गई इस तरह से ये चांस मिला बैट्समैन को बड़ा शॉट खेलने गए थे बारह ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है बारह ओवर्स के बाद नवासी पे पांच एट्टी नाइन फोर फाइव आफ्टर ट्वेल्व करेक्शन अट्ठासी रन है 88 एट फॉर फाइव आफ्टर ट्वेल्व फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली शॉर्ट पिच गेंद अच्छा शॉट खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की जाने और फील्डर काफी दूर से भागते हुए बॉल तक पहुंचे थ्रो को कलेक्ट नहीं कर सके बॉलर और ओवर थ्रो की सूरत में ये तीसरा रन मिल जाएगा तीन रन इस बॉल पे हासिल किए जीशान बड़ी उम्दा जिम्मेदाराना बैटिंग कर रहे हैं और आज मुगीरा रईस की जगह पे कप्तानी करने का उनको मौका मिला है फॉरवर्ड आकर इस गेंद को खेले अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया वकार अजीम स्पिनर हैं अपना पहला ओवर करते हुए पुश किया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की जाने आसानी से एक रन मुकम्मल करेंगे तेरहवें ओवर का खेल जारी है स्कोर बिल्कुल ठीक है लेकिन जो विकटें गिरी हैं वो थोड़ा सा परेशानी का बायस हैं विजडम सीरामिक्स के लिए एसबीएफ के अगेंस्ट अच्छी गेंद थी अपील और आउट शॉट खेलने गए थे गेंद की लाइन को मिस किया और इस तरह से एल पी डब्ल्यू आउट हो गए हैं बड़ी अहम विकेट हासिल की है कप्तान की वकार अजीम ने और अच्छी बैटिंग करने के बाद लेकिन मेरे ख्याल से अभी वो खेलना चाहते होंगे अपनी टीम के लिए लंबा खेल सकते थे लेकिन बड़े क्रूशल टाइम पे आउट हुए हैं ये कप्तान जीशान खान 32 रन बनाकर 25 बालों पे दो छक्के और दो चौके लगाए बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट एक सौ का लेकिन क्रूशल टाइम पे आउट हुए हैं और पवेलियन में वापस जाते हुए अच्छी बैटिंग की कप्तान ने अलमास खोकर नए बैट्समैन आए हैं खेलने के लिए कैप्टन बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे जिशान खान लेकिन एल बी डब्ल्यू आउट हुए वकार अजीम ने उनकी विकेट हासिल की अगली गेंद आई गेंद को के लिए शॉर्ट थर्ड मैन की रन लेने के इरादे से आगे आए थे अलमास लेकिन वापस क्रीज में आना पड़ा शॉर्ट पेज गेंद कट किया अच्छा कट किया लेकिन सीधा फील्डर के पास वो आएगी बॉल सुपर कवर पोजीशन पर एक रन हासिल किया दोनों नए बैट्समैन क्रीज पर हैं सलीम ने दो रन बनाए हैं अलमाज खोकर ने अपना पहला रन बनाया और तेरह ओवर्स के बाद तिरानवे पे छः नाइन्टी थ्री फॉर सिक्स आफ्टर थर्टीन सात ओवर्स का खेल बाकी एलबीडब्ल्यू की अपील और बॉल काफी नीचे रही थी लेकिन ऐसा लग रहा है कि बॉल बल्ले से लगने के बाद आई थी मैं भी इसीलिए अंपायर ने फौरन से नॉट आउट का इशारा दिया और बेड एंड पैड हुई थी ये बॉल वरना यकीनन ये, ये प्लम्ब आउट हो सकते थे अगर बल्ले से बॉल ना लगती बड़ा खूबसूरत शॉट सलीम का बहुत ही उम्दा स्ट्रोक ये एक नेचुरल फिनिना है इस फॉर्मेट में कि जब भी लेग ब्रेक बॉल करेगा अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामने है तो इस तरह का शॉट खेलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता खूबसूरत छक्का मिड विकेट बाउंड्री से बाहर बहुत ही उम्दा स्ट्रोक सलीम का यहाँ पर बड़ी अच्छी पोजीशन में है चौदह ओवर का खेल जारी है इस ओवर के बाद छः ओवर्स बाकी हैं और बैट्समैन अगर रोक के संभाल के खेलें और मेरिट पे खेले तो अच्छा टारगेट स्कोरबोर्ड पे सजा सकते हैं शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पे जाके पुश किया टू की कॉल है एक रन मुकम्मल किया और दूसरे रन के लिए भी वापस आए बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बॉल को खेलते ही उन्होंने कॉल की थी टू की सलीम ने और दो रन मुकम्मल किए सलमान उस्मान है बॉलर फुल टॉस और इस मरतबा इस गेंद को गे आउट का चांस हो सकता है और बड़ा अच्छा पिक किया था थ्रो किया था फील्डर ने लेकिन तेजी से सलीम क्रीज में पहुंच के तीसरा ओवर सलमान उस्मान का 24 रन देकर एक विकेट हासिल की है अब तक उन्होंने इस ओवर में 10 रन अब तक दे चुके हैं दो बॉले बाकी अच्छी गेंद थी इस मरतबा बीट हुए बैट्समैन हल्के बल्ले के साथ आहिस्ते से पुश करना चाहते थे नए बैट्समैन हैं अलमास खोकर ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहते अपने साथी सलीम को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक देना चाहेंगे बैकफुट पे इस गेंद को पुश किया सीधा खेले हैं दो रन यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर दूसरे के लिए और अच्छी अच्छी कॉल थी ये सलीम की अलमास बगैर देखे वापस जाना चाहते थे उन्हें वापस जाने का इशारा किया सलीम ने इसके साथ ही चौदह ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ एक सौ चार पे छः

अच्छी गेंद थी बड़ा शॉट खेलने गए थे लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया अलमास ने विकेट कीपर के पास आई बॉल पुश किया इस गेंद को कवर्स में और फील्डर बॉल तक पहुंच गए थे लेकिन बॉल थोड़ी सी उनसे दूर थी

एक ऐसे बैट्समैन जो कि छक्के लगाना उन्होंने शुरू किए थे आउट होकर पवेलियन में वापस असफंद मेहरान नए बैट्समैन आए हैं खेलने के लिए बाहर से गार्ड लेते हुए असवन मेरान गेंद को खेले लॉन्ग ऑफ की जानेब एक रन आसानी से मुकम्मल करेंगे ऐसा लग रहा था कि ज़ीशान और सलीम जब बैटिंग कर रहे थे कि एक आराम से 160 150 160 رنز के करीब पहुंच जाएंगे लेकिन दोनों बैट्समैन ऊपर नीचे आउट हो गए खासकर सलीम अपनी गलती से आउट हुए दूसरा रन मौजूद नहीं था और अपनी विकेट उन्होंने गिफ्ट कर दी फील्डिंग साइड को बैकफुट पे गए गेंद को पुश किया लेकिन अपने फॉलो थ्रू में बड़ी उम्दगी से गेंद को फील्ड किया मैच हर तीन चार ओवर्स के बाद एक साइड से दूसरी साइड पे चला जाता है टी ट्वेंटी की खूबसूरती है ये ड्राइव किया बड़ी जोरदार स्ट्रोक लेकिन लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद हैं एक रन पांच ओवर्स इस ओवर के बाद बाकी हैं लेकिन सिर्फ तीन विकेटें बाकी रह गई हैं विजडम सिरामिक्स की 15th over is in progress at the moment. 106 for the loss of 7 wickets is the score so far after winning the toss and batting first. Wisdom Ceramics. Good delivery and uh, watchfully forward, played back to the bowler. That is the end of the over. After 15, the score is 107 for the loss of 7 wickets. बैटिंग कार्ड आपके सामने फहाद उस्मान ने तेरह रन बनाए खयाम ने आठ रन बनाए शहजाद खान छः रन बनाकर आउट हुए अहमद बिलाल बगैर कोई रन बनाए वकास अली ने बीस रन बनाए झीशान खान कप्तान बत्तीस रन बनाकर आउट हुए सलीम सेट हो चुके थे लेकिन रन आउट हुए अलमास खोकर पाँच पे नॉट आउट असवंत मेहरान एक रन पे नॉट आउट हैं एक सौ सात रन सात विकटों के नुकसान पर पंद्रह ओवर के बाद ग्यारह रन एक्स्ट्रास के शामिल हैं मजमू स्कोर में इस मरतबा ओवर पिच बॉल थी इस बॉल को बड़ा शॉट खेलने गए थे बैट्समैन लेकिन ज़्यादा बेहतर अंदाज में नहीं खेल सके एक रन बहरहाल मुकम्मल किया और असफन मेहरान आज दो या तीन तब्दीलियाँ की गई हैं कल की टीम में विजडम सिरामिक्स के लिए स्पिनर्स ने अच्छी बोलिंग की है अब तक एसबीएफ के लिए और एक पार्टनरशिप जो खतरनाक साबित हो रही थी दोनों बैट्समैनों को ऊपर नीचे आउट किया पुश किया इस गेंद को वापस बॉलर की जानिब अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया ऑन साइड पे सर्कल के अंदर सिर्फ एक फील्डर मौजूद है ड्राइव किया इस गेंद को और फील्डर भागकर बॉल तक पहुंचे थे लेकिन मिसफील्ड हुई हल्की सी फंबल हुआ फील्डर से लॉन्ग ऑफ पोजीशन पर लेकिन सिर्फ एक रन हासिल किया दोनों बैट्समैनों ने आखिरी ओवर है ये सलमान उस्मान का चौथा ओवर सत्ताईस रन देकर एक विकेट उन्होंने हासिल की है शॉर्ट पेज गेंद अच्छा खूबसूरत स्ट्रेट शॉट और चार रन बड़ी तेजी से बॉल स्ट्रेट बाउंड्री से बाहर एक टपा खाने के बाद काफी देर के बाद बाउंड्री देखने को मिली है ये डिज़र्व करती थी इस तरह की शॉट क्योंकि काफ़ी शॉर्ट पिच गेंद थी और काफ़ी टाइम था बैट्समैन के पास मजबूत आसाब के मालिक हैं अलमाज खोकर और खूबसूरत शॉट चार रन हासिल किए इस मरतबा गेंद को पुश किया कवर्स में और एक अच्छी कॉल थी ये नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद बैट्समैन असवन की और वापस जाने का उन्होंने इशारा किया ख़तरनाक साबित हो सकता था रन सिर्फ तीन विकटें बाकी हैं और अब रन आउट की मुतहमल नहीं हो सकती की टीम अच्छी गेंद थी एलपीडब्ल्यू की छोटी सी अपील लेकिन से बाहरी गेंद थी इसके साथ ही 16 ओवर्स मुकम्मल हुए 16 ओवर्स के बाद सात 16 ओवर्स के बाद 113 रन्स रन सात विकेटों के नुकसान पर विजडम जीत जीतकर पहले बैटिंग करते हुए बॉलिंग कार्ड आपके सामने ओवर की ने तेईस रन दिए दो विकटे हासिल की राना नईम ने तीन बाईस दो कोई हासिल नहीं कर सके एक विकेट हासिल की सलमान उस्मान ने चार ओवर में इकतीस रन देकर वकार अजीम ने दो ओवर में आठ रन देकर एक विकेट हासिल की है ये कामयाब बॉलर हैं जिन्होंने अब तक विकट हासिल की हैं एस बी एफ के लिए साइड स्क्रीन को एडजस्ट किया जा रहा है क्योंकि राउंड दस्टम बॉल करेंगे बॉलर तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन साइड स्क्रीन को एडजस्ट करवाते हुए आप बॉलिंग शुरू करेंगे बॉलर फॉर एंड से स्वीप किया और अच्छा स्वीप किया है बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई डीप फाइन लेग पे फील्डर बॉल तक पहुंचे स्लाइड किया अच्छी फील्डिंग फील्डर की और दो रन मुकम्मल कर लिए दोनों बैट्समैनों ने सत्रहवें ओवर का खेल शुरू हुआ है क्रीज से बाहर निकले थोड़ा सा आपिश खेले थे लेकिन के फील्डर के पास बॉल आई एक टपक के बाद स्टंप इस गेंद को की जाने इस मरतवामंदगी के साथ एक रन हासिल किया छोटी छोटी पार्टनरशिप्स जरूर हुई हैं लेकिन एक बड़ी पार्टनरशिप जिसकी जरूरत थी वो अब तक बिल्ड नहीं हो सकी और तीन विकटें बाकी हैं फिंगर इंजरी हुई है अलमास खोकर को शायद और यहाँ पर उनकी हेल्प के लिए प्लेयर अंदर आएंगे लेफ्ट हैंड की फिंगर पे स्प्रे किया जा रहा है अलमास खोकर दस रन पे नाट आउट हैं शॉट खेलते हुए शायद फिंगर टिप पे बॉल उनको हिट की थी और अब पानी लाया गया है उनके लिए मज़ीद लंबा खेलना होगा अलमास को शायद एक मैसेज भी आया होगा उनके लिए कि बीस ओवर पूरे खेलने हैं अंपायर उनके साथ मौजूद दोबारा से तैयार होंगे बैटिंग के लिए अलमाज खोकर पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती हैं किसी भी फॉर्मेट में चाहे टी टेन ही क्यों ना हो तीस से चालीस रन की एक पार्टनरशिप अगर आपकी नहीं लगती तो आप अच्छा टोटल सजा नहीं सकते दस बारह रन दस बारह रन पंद्रह रन की पार्टनरशिप से आप फील्डिंग साइड को परेशान नहीं कर सकते शॉर्ट फॉर्मेट्स की बात कर रहा हूँ मैं शॉर्ट पर गेंद बड़ा खूबसूरत शॉट लेकिन तीन फील्डर्स ऑन साइड पे बाउंड्री लाइन पे खड़े किए हुए हैं और अच्छी प्रोटेक्शन है स्पिनर के लिए एक रन हासिल किया अब फील्डर अंदर आ रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है सामने असफन मेहरान इस मरतबा पिच गेंद थी ये बड़ी उमदगी के साथ खेले और सीपर कवर पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया एक रन हासिल किया दोनों बैट्समैनों ने शॉर्ट पेज गेंद थी कवर्स में खेलना चाहते थे एज हुई बॉल डी मैन की जानव जाती हुई बॉल की स्पीड आस्ता हो गई है फील्डर बॉल तक पहुंच जाएंगे स्लाइड किया उन्होंने गेंद को रोकने में कामयाब हुए और आसानी से दो रन मुकम्मल कर लेंगे दोनों बैट्समैन इसके साथ ही ये ओवर मुकम्मल हुआ और सत्रह ओवर्स के बाद एक रन एक रन सात विकेटों के नुकसान पर विजडम सिरामिक्स वर्सेस एसबीएफ आज का पहला मैच जिसमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग की विजडम ने नहीं वापस आए हैं बॉलिंग के लिए उनके कोर्टे का ये आखिरी ओवर होगा इससे पहले तीन ओवर्स में बाईस रन देकर दो विकेटें हासिल कर रखी हैं ड्राइव किया इस गेंद को लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद हैं एक रन हासिल किया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पे फील्डर मौजूद थे उनको पॉइंट पे स्क्वायर uh, लेग पे मौजूद थे डीप स्क्वायर लेग पे उनको अंदर लाया गया है क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है इस مرتبہ बड़ा खूबसूरत शॉट लेग स्टंप से बाहर इस गेंद को उम्दगी से प्लेस किया मोड़ दिया डीप फाइन लेग की जानिब और 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर मच नीडेड बाउंड्री तेज खेलने की जरूरत है चंद ओवर बाकी रह गए हैं इस ओवर के बाद दो ओवर बाकी रह जाएंगे राना नईम का ये आखिरी आखिरी ओवर है एक ही ओवर में दो विकटें उन्होंने हासिल की थी असफन मेहरान अच्छी गेंद थी फॉरवर्ड आकर इस गेंद को खेले दो रन यहां पर मौजूद हैं एक रन मुकम्मल किया रहा नईम खुद बॉल तक पहुंचेंगे दूसरे रन के लिए वापस आए और बड़ी उमदगी से दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया बड़ा अच्छा मौसम धूप निकली हुई है आउटफील्ड बड़ी अच्छी और जेडी एस एल टी ट्वेंटी क्रिकेट लीग लेग स्टम से बाहर गेंद थी एल बी डब्ल्यू की अपील लेकिन कोई चांस नहीं था पेट से ब्रश होती हुई बॉल आई थी और डॉट बॉल हल्की सी अपील की थी लेकिन बॉलर ज़्यादा एग्रेसिव थे विकेट कीपर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे डीप स्क्वेयर लेग पे फील्डर को बाउंड्री लाइन पे भेजा गया है जबकि सुपर कवर से फील्डर को अंदर बुलाया गया है कवर्स में चार फील्डर सर्कल के अंदर होना जरूरी है अच्छा शॉट ऑन साइड पे डीप स्क्वेयर लेग पे फील्डर मौजूद हैं एक रन मुकम्मल किया दूसरे के लिए वापस आएंगे जब तक फील्डर बॉल पिक करें थ्रो करें दो रन मुकम्मल कर लिए और दोनों बैट्समैन सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि डॉट बॉल्स कम से कम खेली जाएं इस इस गेंद को पुश किया पॉइंट पे रन आउट हो जाएंगे इस मरतबा बॉल स्टे नहीं लगी बॉलर काफी आगे थे और दूसरे रन के लिए वापस आ जाएंगे दोनों बैट्समैन बॉलर को फौरन वापस आना चाहिए विकेट्स के ऊपर इस तरह से दो रन मुकम्मल किया अठारह ओवर्स के बाद एक सौ बत्तीस पे सात वकार अजीम बॉलिंग के लिए वापस आए हैं राना नीम ने चार ओवर मुकम्मल कर लिए तैस रन देकर दो विकेटें हासिल की आखिरी ओवर है ये वकार अजीम का। का हुआ। आउट होने खतरा और कोई गलती नहीं की सीधी फील्डर के पास बॉल इस तरह से ये आठवीं विकेट गिर चुकी है और अब दो विकेटें बाकी रह गई हैं जबकि दो ओवर्स ही तकरीबन बाकी हैं एक बॉल हो चुकी है बड़ी अच्छी बैटिंग की अलमाज खोकर ने पंद्रह रन बनाए सत्रह बालों पे एक चौका लगाने में कामयाब हुए कैच राना नईम बोल्ड बाय वकार अजीम फील्ड सेट करने में मशरूफ हैं वक़ार अजीम आहिस्ते से गेंद को पुश किया रन आउट का चांस हो सकता है लेकिन बॉल को पिक नहीं कर सके क्लियरली वकार वरना यकीनन ये खतरा मौजूद था दोनों बैट्समैनों के लिए एक रन मुकम्मल किया दस बॉलें बाकी हैं और दस बॉलों पे पंद्रह रन अगर हासिल कर लेते हैं पंद्रह या सत्रह रन तो डेढ़ सौ रन एक अच्छा टारगेट होगा इस पिच के ऊपर कल जैसे हमने देखा एक सौ बयालीस रन नहीं बना पाई थी और सेकेंड बैटिंग में काफ़ी मुश्किल पेश आई थी तो एक सौ पैंतालीस एक सौ पचास रन वुड बी अ वेरी गुड टोटल टू तो डिफेंड इन द सेकेंड इनिंग्स क्रीज से बाहर निकले आप इस खेलें थोड़ा सा फील्डर से काफ़ी आगे गिरेगी बॉल और एक रन हासिल किया असफन ने अली रजा नए बैट्समैन आए हैं खेलने के लिए बुनियादी तौर पर फास्ट बॉलर हैं कल बढ़िया अच्छी बॉलिंग की थी अली रजा ने कट किया अच्छा कट किया लेकिन फील्डर मौजूद हैं पॉइंट पे थ्रो बड़ी अजीब और गरीब थ्रो थी ये विकेट कीपर के ऊपर से और मिड विकेट पर डीप मिड विकेट पर फील्डर को आना पड़ा बैकअप के लिए इससे पहले ओवर थ्रो का रन भी मुकम्मल कर लिया था दो रन हासिल किए दोनों बैट्समैनों ने बाउंड्रीज यहां पर दरकार है को। आउट हो जाएंगे आसान कैच है कोई गलती नहीं की इस तरह से नौवीं विकेट गिर गई है आउट होने वाले बैट्समैन अली रजा तीन रन रज बनाकर आउट हुए और खलील ने कैच लिया कप्तान एस बी एफ नौवीं विकेट गिर चुकी है दो विकेटें इस ओवर में हासिल कर ली हैं वकार अजीम ने अली रजा तीन बॉलों पर तीन रन बनाकर आउट हुए मोहम्मद खलील ने उनका कैच लिया बॉलर थे वकार अजीम लास्ट मैन अब्दुल्ला एजाज़ आए हैं खेलने के लिए उनकी जिम्मेदारी इस वक्त ये होनी चाहिए कि वो अपने सेट बैट्समैन को जल्द अज़ जल्द सामने लेके आएं स्ट्राइक पे लेके आएं और ओवर्स पूरे खेलना होंगे विजडम सिरामिक्स को उनके लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी वकार अजीम का अच्छा ओवर जिसमें उन्होंने दो विकटें हासिल की चौथा तो और आखिरी ओवर है बीस रन देकर तीन विकेटें हासिल की हैं वकार अजीम ने पहली बॉल पे विकेट दूसरी दो पे सिंगल उसके बाद एक डबल और फिर पांचवीं बॉल पे भी विकेट गेंद को पुश किया कवर्स में रन मौजूद है लेकिन रन नहीं लेना चाहते क्योंकि ये आखिरी बॉल थी आखिरी छः गेंदें असफन में रान खुद खेलना चाहते हैं ओवर मुकम्मल हुआ 19 ओवर्स के बाद 136 सौ नौ विकटों के नुकसान पर आखिरी ओवर का खेल बाकी आखिरी ओवर करवाने के लिए बत्तीस नंबर की शर्ट पहने हुए नुमान साजिद आए हैं तीन ओवर में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है उन्होंने विकेट तो हासिल नहीं की लेकिन सिर्फ चौदह रन दिए हैं साइड स्क्रीन को एडजस्ट किया जाएगा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए असवंध कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज़्यादा इस ओवर में खुद सामना करें बॉलर का और बाउंड्रीज हासिल करें एक सौ छत्तीस रन हैं दस बारह या चौदह रन कम अज़ कम हासिल करने की कोशिश करेगी विजडम सरामिक्स इस आखिरी ओवर में ताकि डेढ़ सौ रन तक पहुंचे जाए पहली बॉल अच्छा शॉट स्ट्रेट शॉट लेकिन लॉन्ग ऑफ फील्डर मौजूद हैं एक रन हासिल किया और एक रन पर इतफा करना पड़ेगा दूसरा रन भी लेना चाहते थे असम लेकिन कोई मौका मौजूद नहीं था क्योंकि राना नहीम बड़े अच्छे फील्डर हैं पांच गेंदे बाकी एक विकेट बाकी अब्दुल्ला एजाज है सामने अच्छी गेंद थी आप स्टम से बाहर इसे खेलने गए गे थे गेंद की लाइन को मिस किया फ्रस्ट्रेशन ज़रूर हुई होगी पहला सिंगल हासिल करने के बाद असफंद को क्योंकि जितनी ज़्यादा डॉट बॉल्स होंगी तो उतना उनको फील होगा कि पहली बॉल पे रन नहीं लेना चाहिए था बोल कर दिया इस तरह से पूरी टीम आउट हो चुकी है जिस बात का मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि असवंत को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेना चाहिए इस तरह से उन्नीस बीसवें ओवर में पूरी टीम आउट हो गई है और असवंत मेरान नॉट आउट रहे और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए ऑल आउट विजडम सिरामिक्स ये आखिरी जोड़ी अब्दुल्ला इजाज बगैर कोई रन बनाए आउट हुए असवंत मेरा नॉट आउट वापस आएंगे और एस बी एफ की टीम पिच के वस्त में मौजूद काफी मुतमैन ये स्कोर कार्ड आपके सामने तेरह रन बनाए फाद उस्मान ने राव ख्याम ने आठ रन बनाए शहजादा खान ने छः रन बनाए अहमद बिलाल बगैर कोई रन बनाए आउट हुए वकास अली ने 20 रन बनाए जीशान खान कप्तान टॉप स्कोर रहे बत्तीस रन बनाए मोहम्मद सलीम ने 11 रन बनाए अलमास खोकर 15 रन बनाकर आउट हुए असुन मेरान नॉट आउट रहे 18 रन्स पे अली रजा ने तीन रन बनाए और अब्दुल्ला एजाज बगैर कोई रन बनाए आउट हुए एक रन में ग्यारह रन एक्स्ट्रा के उन्नीस ओवर्स खेल पाई विजडम की टीम दूसरी साइड पे अगर बॉलिंग देखी जाए जाएस के बॉलर मोहम्मद खलील कप्तान ने दो विकटें हासिल की तीन ओवर के तेईस तैंतीस चार ओवर में नौमान साजिद ने एक विकेट हासिल की तो सीख और सलमान उस्मान कोई विकेट हासिल एक एक विकेट हासिल की सलमान उस्मान ने वकार अजीम ने शानदार बॉलिंग की चार ओवर में बीस रन दिए और तीन विकटें हासिल की एक सौ अड़तीस रन का टारगेट है मैच जीतने के लिए आ, इस वक्त छोटा सा एक वक्फा है और वकफे के बाद दूसरी इनिंग का आगाज होगा और उसके साथ आप हमारे साथ रहिएगा और एक शॉर्ट ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपकी खिदा थैंक यू एक मरतबा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जहूर इलाही क्रिकेट स्टेडियम गुजरात से जहां पर पहले मैच की दूसरी इनिंग का आगाज होने जा रहा है और विजडम सिरामिक्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए एक सौ छत्तीस रन बनाए हैं एक सौ सैंतीस रन का टारगेट है एस बी एफ के लिए ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है अब्दुल्ला एजाज अटैकिंग बॉलर बॉलिंग का आगाज करेंगे लेफ्ट आर्म बॉलर और सिद्धाकत अवान और राना नईम दोनों ओपनिंग बैट्समैन तैयार हैं खेलने के लिए सिद्दाकत अवान है सामने अब्दुल्ला एजाज लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप आई गेंद बॉल कर दिया पहली बॉल लेंथ और पहली ही बॉल पे क्लीन बोल कर दिया है सदाकत को व्हाट अ स्टार्ट व्हाट अ व्हाट एन एग्रेसिव स्टार्ट और इस तरह से पहली ही बॉल पे विकेट हासिल की अब्दुल्ला ने जिसके जिस तरह के स्टार्ट की जरूरत थी वही स्टार्ट मिला है यॉकर लेंथ बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा बैट्समैन सदाकत ने कि इस तरह से होगा लेकिन दिस इज व्हाट दिस क्रिकेट इज ऑल अबाउट क्लीन बोल्ड हो गए हैं बगैर कोई रन बनाए सदाकत अवान आउट होकर पवेलियन में वापस बगैर कोई रन बनाए बड़ा खूबसूरत इन स्विंगिंग यॉर्कर क्लीन बोल किया वन डाउन बैट्समैन आए हैं खेलने के लिए वकार अजीम राना नईम का साथ देने के लिए आए हैं वकार अजीम दूसरी बॉल खेलेंगे वन डाउन बैट्समैन नॉर्मली सोचते हैं कि तीसरे चौथे ओवर में जा के बैटिंग मिलेगी लेकिन दूसरी ही बॉल का सामना करेंगे वन डाउन बैट्समैन अब्दुल्ला एजाज़ मुस्कुराते हुए तमाम प्लेयर्स खुश हैं उनकी कामयाबी से एक बॉल एक विकेट कोई रन नहीं तीन फील्डर सर्कल में ऑन साइड पे चार फील्डर सर्कल में ऑफ साइड पे डी थर्ड मैन और डी फाइन लेग। अच्छी गेंद थी अंदर आई बॉल खूबसूरत डिलीवरी वकार अजीम ने खेला वापस बॉलर की जाने वकार अजीम ने आज अच्छी बॉलिंग की स्पिनर हैं ऊपर बैटिंग करते हैं नेक्स्ट से बाहर ही गेंद थी हल्की सी अपील ज़रूर की लेकिन क्लियरली नेक्स्ट से बाहर जा रही थी ये बॉल काफ़ी पेड पे लगी एल डब्ल्यू का कोई चांस नहीं प्रेशर डाला हुआ है अब्दुल्ला एजाज ने पहले ओवर में फुल टॉस गेंद थी और ऑलमोस्ट यॉर्क हो गए थे बैट्समैन प्रेशर साफ नज़र आ रहा है बैट्समैनों पे फुल टॉस बॉल को नॉर्मली पावर प्ले में बैट्समैन पुट अवे करते हैं चार रन के लिए लेकिन सीधे बल्ले के साथ खेलने की कोशिश में इनसाइड एज बल्ले से लगने के बाद पेड़ पे बॉल लगी अब्दुल्ला एजाज़ कल भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन बदकिस्मती से उनकी टीम अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग करने के बावजूद मैच हार गई थी दो बॉलें बाकी हैं इस ओवर में ये इस ZSL टी ट्वेंटी का पहला मेडन ओवर होगा अगर दो बॉलें बीट करवाते हैं ड्राइव किया अच्छा ड्राइव किया और बहुत ही उम्दा फील्डिंग डाइव लगाई फील्डर ने शानदार फील्डिंग बेहतर स्ट्रोक था इस मरतबा बैट्समैन का लेकिन बदकिस्मती के फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद को रोका पांच बॉलों पे कोई रन नहीं बना और एक विकेट हासिल की है पहली बॉल पे अब्दुल्ला एजाज ने लेग पे ये गेंद थे रन हासिल करने के लिए आगे आए रनआउट का चांस हो सकता है पिक किया था लेकिन बॉल हाथ में आके निकल गई इस तरह से एक रन हासिल कर लिया लेग बाई की सूरत में बल्ले से कोई रन नहीं बना बन सका एक ओवर के बाद एक पे एक वन फॉर वन आफ्टर वन अली रजा बॉलिंग के लिए आए हैं दूसरे एंड से अच्छी गेंद थी बड़ा अच्छा कलेक्ट किया विकेटकीपर ने काफी पूरे एतमाद लग रही है सिरामिक्स की टीम लो स्कोरिंग के बावजूद अपनी बॉलिंग और फील्डिंग पे उनको एतमाद है बहुत ही अच्छी गेंद बॉल अंदर आई लेकिन काफी ऊपर लगी ये थाई के आसपास एलबीडब्ल्यू का कोई चांस नहीं था रजा फॉरेन से बॉलिंग करते हुए ड्राइव किया बड़ी उमदगी के साथ लेकिन सीधा फील्डर के पास बॉल कवर्स में अंपायर ने बॉल को चेक किया वापस कप्तान जीशान को दिया बड़ा अच्छा रन अप है अली रजा का लेक्स्टर से बाहरी गेंद बड़ा अच्छा कलेक्ट किया उम्दा विकेट कीपिंग व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की जाने से दूसरे ओवर में स्कोर है अब तक सिर्फ दो और एक खिलाड़ी आउट हुआ है एसबीएफ का शॉर्ट पेस इस गेंद बैकफुट पे इस गेंद को खेले और पॉइंट पे फील्डर मौजूद हैं बड़ी अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग शुरू से ही काफ़ी पुरमाद लग रही है विजडम सेरामिक्स अली रज़ा बड़े अच्छे उबरते हुए फास्ट बॉलर हैं कल के मैच में इन्होंने अब्दुल्ला एजाज ने तमाम बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी फील्डर्स ने अच्छी फील्डिंग की थी लेकिन बैट्समैन टारगेट चेस नहीं कर सके थे बड़ी अच्छी गेंद एज खुद ही अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड किया हुआ है बैट्समैनों ने अभी सिर्फ दूसरा ओवर है और थोड़ा सा अपना एतमाद बहाल करके फिर खुल के शॉट्स खेल सकते हैं ज़रूरी नहीं होता कि पावर पावर प्ले के हर ओवर में आप 10 से 12 15 रन हासिल करें एक ओवर अगर चार पाँच छह रन का जाता है तो अगले ओवर में आप आठ दस रन हासिल कर सकते हैं इंतजार करना होता है पैशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में नो डाउट टी टेन और टी ट्वेंटी क्रिकेट मार धाड़ की क्रिकेट है लेकिन इसमें भी आपको पैशंस शो करना होता है एक और बड़ी अच्छी गेंद इसके साथ ही दो ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ दो पे एक आफ्टर टू द स्कोर इज टू फॉर वन दोनों बैट्समैन जीरो पे नॉट आउट हैं और जीरो पे आउट हुए थे ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल इजाज अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे पवेलियन एंड से बहुत ही अच्छी गेंद कट करने गए थे आउटर एज बढ़िया अहम कामयाबी बिग फिश को आउट किया है पहले ओवर की तरह दूसरे ओवर की पहली ही बॉल पे अब्दुल इजाज ने विकेट हासिल की है बहुत ही शानदार बॉलिंग अनइवन बाउंस मिला था बाहर निकली बॉल बड़ा अच्छा बाउंस और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की ये सेलिब्रेशंस आप देख सकते हैं विजडम सिरेमिक्स और ये बड़ी विकेट राना नईम आउट होने वाले बैट्समैन बड़े ख़तरनाक प्लेयर हैं बड़ी अच्छी बॉलिंग इन्होंने की थी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए एक बॉल का इन्होंने सामना किया और विकेट कीपर अहमद ने कैच लिया अब्दुल्ला एजाज की बॉल पे मैंने पहले बताया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा रखते हैं राना नईम कतरची टेन लीग भी खेल के आए हैं लेकिन बैटिंग में पहली ही बॉल पे अब्दुल्ला ने उनको आउट किया है साजिद अब खेलने के लिए आए हैं विजडम सरामिक्स वर्सेस एसबीएफ, जहूर इलाही क्रिकेट स्टेडियम गुजरात से बर रास्त इस वक्त आप तमाम मैचेस देख सकते हैं अब्दुल्ला दो विकटें हासिल कर ली कीपिंग बॉल, बॉल, की बॉल, बॉल एक्स्ट्रा इसके दो रन मिलेंगे बल्ले से अब तक कोई रन नहीं बन पाया दो बैट्समैन जीरो पे आउट हो चुके हैं दोनों बैट्समैन जीरो पे नॉट आउट हैं वकार अजीम ने ग्यारह बॉलें खेली हैं अब तक कोई रन नहीं बनाया नोमान साजिद नए आने वाले बैट्समैन गेंद थी इस मतबात शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सके पॉइंट की जानव खेले फील्डर वहां पर मौजूद है तमाम फील्डर्स तालियां बजाकर दाद देते हुए अपने बॉलर को अच्छा पुश किया एक रन आसानी से मिलेगा मेडॉन से फील्डर बॉल तक जब तक पहुंचते एक रन मुकम्मल किया इस तरह से ये बैट से पहला रन मिला है तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पे बड़ी अच्छी गेंद बाहर पड़कर बॉल अंदर आई और बैट्समैन ने मोहतात अंदाज में बल्ला ऊपर उठा लिया और बॉल को जाने दिया विकेट कीपर के पास अपने तजर्बे का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं एल की जोरदार अपील बड़ी जोरदार अपील रन आउट का चांस भी था यहां पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे ड्रामा और एक बॉल पे दो मरतबा अपील हुई है अंपायर ने रिलैक्स होने का इशारा किया स्माइल भी दी अब देखना होगा स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद बैट्समैन तो बच गए हैं क्या नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद बैट्समैन रन आउट है या नहीं टीवी अंपायर थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया है और अब यहां पर बॉल टीवी अंपायर के कोर्ट में है क्योंकि एलपीडब्ल्यू की बड़ी जोरदार अपील हुई थी दोनों बैट, बैट्समैन नॉन स्ट्राइकिंग एंड से काफी आगे आगे थे और थ्रो सीधी स्टम्प्स में लगी ऑल आईज ऑन टीवी नाउ टीवी अंपायर जावेद अशरफ है टीवी अंपायर थर्ड अंपायर पहला डिसीजन है रन आउट का जो कि थर्ड अंपायर की जानेब जाता हुआ कि बहुत बड़ा ब्लो होगा तीसरी विकेट गिर जाएगी इन केस अगर रन आउट होते हैं स्टिल वेटिंग फॉर द थर्ड अंपायर सिग्नल दोनों बैट्समैन पिच के वस्त में मौजूद तमाम खिलाड़ी ग्राउंड में मौजूद थर्ड अंपायर के फैसले का इंतजार करते हुए एक बॉल पे दो मरतबा अपील हुई थी एल पी डब्ल्यू ने नॉट आउट करार दिया और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बॉल स्टम्प्स में लगी थर्ड अंपायर के फैसले का इंतजार अब्दुल्ला एजाज के ओवर में पिछले ओवर में एक विकेट इस ओवर में ये दूसरी विकेट हो सकती है बॉलर की तो नहीं होगी लेकिन रनआउट हो जाएंगे और टीम को तीसरी विकेट मिलेगी काफी टच एंड गो वाली सिचुएशन हो सकती है जिस तरह से डिले हो रहा है रन आउट स्टिल वायरिंग बड़ी अहम विकेट होगी अगर ये बैट्समैन रन आउट होते हैं एंड फॉर द थर्ड अंपायर सिग्नल इस दौरान फील्ड अंपायर को मौका मिल गया अपनी स्टर्म्स एडजस्ट करने का उंगली फिजा में बुलंद रेड लाइट ऑन हुई जिसका मतलब यह है कि रन आउट हो गए हैं बैट्समैन क्रीज से बाहर थे तीसरी विकेट गिर चुकी है ऊपर नीचे हजार रसीदा पत्तों की माने विकटें गिरती हुई तीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं फील्डर थे अली रजा जिनकी थ्रो स्टम्प्स में लगी और थर्ड अंपायर ने रन आउट करार दिया मोहम्मद वसीम नए बैट्समैन आए हैं खेलने के लिए देखिए क्रिकेट बाई चांस इसलिए कहा जाता है कि एक बैट्समैन को चांस मिल गया है एल आउट नहीं है दूसरी साइड पे बैट्समैन ने ख़ुद ही चांस ले लिया रन आउट होने का और रन आउट कर दिया उनको टीम ने विजडम सरामिक्स ने बड़ी अच्छी गेंद फुल पिच बॉल थी और थ्रो इस मरतबा स्टाम्प पे नहीं लगी बड़ा अच्छा बैकअप फील्डर का एक रन मुकम्मल किया लेक बाई की सूरत में अब्दुल्ला एजाज का ओवर ड्रामेटिक पिछले ओवर की पहली बॉल पे एक विकेट इस ओवर की पहली बॉल पे बड़ी अहम विकेट राना नहीं की। उसके बाद एक प्लेयर एल पीडब्ल्यू के बाद आउट नहीं थे स्ट्राइकिंग एंड के बैट्समैन लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बैट्समैन की स्टम्प में बॉल लगी क्रीज से वो बाहर थे थर्ड अंपायर ने रन आउट करार दिया उनको और तीन विकेटें गिर चुकी हैं सिर्फ छह स्कोर है बिल्कुल बदली हुई टीम आज लग रही है विजडम सिरामिक्स कल के मुकाबले में कम स्कोर करने के बावजूद बड़ी उम्दा बॉलिंग और फील्डिंग ओवर मुकम्मल हो चुका है तीन ओवर्स के बाद छः रन तीन विकेटों के नुकसान पर और अली रज़ा अब बॉलिंग जारी रखेंगे एंड से लेक्सटम से बाहर ही गेंद थी बहुत ही उम्दा विकेट कीपिंग अंपायर का इशारा वाइट बॉल शॉर्ट पेज गेंद थी बैकफुट पे गए गे, इस गेंद को खेले पॉइंट की जाने फील्डर गली से भागते हुए पॉइंट के फील्डर उनसे पूछ रहे हैं कि ये मेरी बॉल थी तुमने क्यों पकड़ी है लेकिन अब दोनों मुस्कुराते हुए शेक हैंड करते हुए दोनों फील्डर्स बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है आज कल काफ़ी डिसअपॉइंटेड सूरत हाल थी डिसअपॉइंटमेंट तमाम प्लेयर्स के चेहरों पर जब छप्पन रन से वो मैच हार गए सौ रन भी नहीं कर सके लेकिन आज कल का होमवर्क नजर आ रहा है आज टीम में विजडम सेरोमिक्स बैकफुट पे गए इस गेंद को क्रीज के अंदर फंस के खेल रहे हैं ये चीज थोड़ी सी खतरनाक होती है फास्ट बॉलर के अगेंस्ट आउट अगर एल पी डब्ल्यू पेड पे लगता है तो कोई चांस नहीं होता बचने का काफी क्रीज के अंदर पीछे जाके बैक फुट पे बॉल को खेला और डॉट बॉल चौथे ओवर का खेल जारी है सात रन पे तीन खिलाड़ी आउट हैं पावर प्ले में छ ओवर्स में टी ट्वेंटी फॉर्मेट जब से शुरू हुआ है तो 40, 45, 50 रन्स के राउंड अबाउट स्कोर होता है पावर प्ले में और इस मरतारे अपील, अपील। आगे नहीं आ रहे बॉल के ऊपर और वही हुआ बॉल उनके पेड़ पर पे काफी ऊपर लगी है खुशकिस्मत रहे बड़ी जोरदार अपील की थी अपने ऊपर प्रेशर डाला हुआ है बैट्समैनों ने छे ओवर में एक साइकी है कि आपने बाउंड्रीज हासिल करनी है फील्ड खुलने से पहले फील्ड रिस्ट्रिक्शंस ओपन होने से पहले लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आप हर बॉल शॉट के लिए जाए शॉर्ट पेज गेंद इस मरतबा इस गेंद को खेले लेकिन सीधा फील्ड की जाने एक और डॉट बॉल चौथे ओवर का खेल जारी है मोहम्मद वसीम और नोमान साजिद विकेट पर मौजूद ड्राइव किया बड़ा अच्छा बैक टू द बॉलर ड्राइव ओवर पिच बॉल थी फील्डर बॉल के पीछे हैं बाउंड्री लाइन के करीब पहुंची बॉल और हाथ से रोकने में कामयाब हो गए थे दो रन मुकम्मल किए दोनों बैट्समैनों ने अच्छा स्ट्रेट शॉट था ओवर पिच बॉल थी इस मरतबा और दो रन हासिल किए दोनों बैट्समैनों ने एज हुई बॉल थर्ड मैन की जाने आई फील्डर वहां पर मौजूद हैं और एक रन हासिल किया इसके साथ ही ये ओवर अपने अख्तितम को पहुंचा चार ओवर्स के बाद दस रन तीन विकेटों के नुकसान पर टेन फॉर थ्री आफ्टर फोर स्कोर कार्ड आपके सामने दो बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन राना नहीम और सदाकत अव बगैर कोई रन बनाए आउट हुए वकार अजीम एक रन बनाकर आउट हुए अच्छा शॉट और बहुत ही शानदार फील्डिंग पॉइंट्स पॉइंट के फील्डर फील्डर की रन आउट का है यह फील्डर को क्रेडिट देना होगा बहुत ही शानदार फील्डिंग डाइव लगाई एक हाथ से बॉल को रोका दोनों बैट्समैन एक एंड पे खड़े रह गए बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल बैट्समैनों के हवाले से बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और इस तरह से ये चौथी विकेट गिर गई है चार खिलाड़ी मुस्तनद बैट्समैन आउट होकर पवेलियन में वापस नोमान साजेद तीन रन बनाकर आउट हुए दस बॉलों का उन्होंने सामना किया बड़ी शानदार फील्डिंग पॉइंट पे फील्डर की और ये तमाम क्रेडिट फील्डर को जाता है फील्डर्स पूरा साथ दे रहे हैं अपने बॉलर्स का तो सैंडी नए बैट्समैन आए हैं खेलने के लिए अब्दुल्ला की अगली बड़ी अच्छी तेज़ गेंद अंदर आई थी बॉल और इनसाइड एज डी फाइन लेग पे फील्डर बॉल को फील्ड करेंगे मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला एजाज़ बड़ी उमदगी से और पूरे अतमाद से बॉलिंग कर रहे हैं और पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि जो टर्म यूज़ होती है कि अपनी बॉलों पर नचा रहे हैं बैट्समैनों को ये कहना गलत नहीं होगा इन स्विंग आउट स्विंग और पहली बॉल जो यॉर्क थी अनप्लेबल बॉल पे बोल्ड हुए थे ओपनिंग बैट्समैन बहुत ही अच्छी गेंद लेट अपील थी विकेट कीपर की जानब से लेट रिएक्शन था और नॉट आउट रहे बैट्समैन पांचवें ओवर का खेल जारी है ग्यारह रन चार विकटों के नुकसान पर कप्तान मोहम्मद खलील थोड़ा सा परेशान जरूर होंगे उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन न सिर्फ आ, अच्छा आगाज फ्राहम ना कर सके बल्कि ओवर्स भी काफ़ी पावर प्ले में जो रन जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर पूरा नहीं उतरे बैट्समैन यॉर्कर टो पे लगी है बॉल और एलबीडब्ल्यू आउट एक और यॉर्कर विकेट कीपर तमाम फील्डर्स ने फौरन अपील की थी अब्दुल्ला इजाज की अपील थोड़ी सी एक दो सेकंड लेट थी लेकिन अंपायर ने उंगली फिजा में बुलंद की आधी टीम आउट हो चुकी है और इतहाई मुश से दो चार कल और आज के मैचज़ पे अगर नज़र डाली जाए तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ये मोहम्मद वसीम एल पी डब्ल्यू अब्दुल्ला बग़ैर कोई रन बनाया आउट हुए दो बॉलों का सामना किया तो जो मैं बता रहा था कि कल और आज के दोनों मैचज़ पे अगर नज़र डाली जाए तो टारगेट चेस करने वाली टीम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कन सूरत हाल है कल टारगेट चेस करते हुए यही हालत थी विजडन सरामिक्स की और आज उन्होंने वही सूरत हाल पैदा की हुई है एस के लिए अब्दुल्ला एजाज की अगली बॉल को आस्था से खेले तो ये सेंडी का दास साथ देने के लिए आए हैं मोहम्मद अवेस ग्यारह रन पांच खिलाड़ी आउट पांचवें ओवर में, में तबाहकुन आगाज से बाहर ये गेंद, बड़ी जोरदार अपील लेकिन अंपायर का इशारा वाइट बॉल बड़ा अच्छा कलेक्ट किया था विकेट कीपर आज बड़ी उम्दा विकेट कीपिंग कर रहे हैं विकेट के पीछे व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानब से तीसरा ओवर है ये अब्दुल्ला एजाज का पांच रन दिए हैं तीन विकेटें हासिल की हैं बहुत ही शानदार बॉलिंग एस बी एफ के बैट्समैन इस इंतजार में कि कब अब्दुल्ला के ओवर्स मुकम्मल हों, फुल टॉस एक मरता फिर यॉर्क करने की कोशिश की थी बॉल आई लेग की जाने इसके साथ ही ओवर मुकम्मल हुआ पांच ओवर्स के बाद बारह रन पांच विकेटों के नुकसान पर जी हाँ ट्वेल्व फाइव आफ्टर फाइव अली रजा अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे बहुत ही अच्छी गेंद बॉल नीचे रही बड़ी तेज गेंद विकेट के करीब से होती हुई आई विकेट कीपर के पास खुशकिस्मत रहे बैट्समैन और अच्छी गेंद दफाई अंदाज से खेले बैट्समैन कवर्स में फील्डर मौजूद हैं छठे ओवर का खेल जारी है फुल टॉस ड्राइव किया ऑन पे फील्डर मौजूद हैं कोई रन नहीं पावर प्ले का आखिरी ओवर है चार बॉलें तीन बॉलें बाकी रह गई हैं बड़े अच्छी गेंद तेज गेंद थी और दफाई अंदाज से खेलने गए थे इन साइड एज डी अब्दुल्ला एजाज मौजूद हैं। एक रन हासिल किया दोनों बैट्समैनों ने पावर प्ले मुकम्मल होने वाला है दो बॉलें बाकी हैं और अब तक कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए एसबीएफ के बैट्समैन इससे आप इन दोनों बॉलर्स की शानदार बॉलिंग का अंदाजा लगा सकते हैं अली रजा ने विकेट तो हासिल नहीं की लेकिन तीन ओवर्स में तीसरा ओवर है सिर्फ रन दिए हैं अच्छी गेंद थी यॉर्क करने की कोशिश आखिरी बॉल तीसरे ओवर की अली रजा की और उन्होंने बैटिंग कार्ड आपके सामने बड़ा डिसअपॉइंटिंग कुछ भी काबिल जिक्र नहीं है तीन बैट्समैन बगैर कोई रन बनाए आउट हुए वकार अजीम ने एक रन बनाया नौमान साजिद ने तीन रन बनाए दस बॉलों का सामना किया तेरह बॉलों पे एक रन वकार अजीम ने पावर प्ले में इस तरह की बैटिंग होगी तो फिर बैट्समैन आउट होंगे तीन खिलाड़ी डक पे आउट हुए जीरो पे और अब तक ओवर्स के बाद ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं और कोई बैट्समैन बाउंड्री नहीं लगा सका चौका छक्का हमें पावर प्ले में देखने को नहीं मिला बैट्समैन एक फिर गलती कर गए थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बॉल हाथ में आके निकल गई आई थिंक कि कप्तान हैं जीशान मिड ऑफ पर मौजूद थे और डाइव लगाई थी उन्होंने बड़े मर्तबान साइड पे लेकिन वो मिस हुई बॉल सीधी हाथ में आ रही थी मिस फील्ड और गेंद